हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में जो पीएचडी के फॉर्म्स निकले हुए हैं उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप गूगल में डालोगे सीएमआई एडमिशंस तो आपको ये वाला पेज खुल के मिल जाएगा। ये फ्रंट पेज है। इस पेज में आप सीएमआई में कैसे अप्लाई करना है, कब इसके फॉर्म्स इशू हुए हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए एडमिशंस और किस क्राइटेरिया, मतलब कि क्या एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो रहा है या किसी नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स हो रहे हैं, इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे, एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, कितनी साल भर की फ़ीस है, स्टाइपेंड मिलता है नहीं मिलता है, और क्या क्या ये सब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ कंडक्ट में पढ़ाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप लोग इस वीडियो में आज समझ लोगे। ठीक है, पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक बैकग्राउंड के हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने पहले सीएसआई एडमिशंस इस पेज को खोल दिया। ठीक है, इस पेज में जब आओगे तो आपको इतना पता चल रहा है कि 4 मार्च को इसके फॉर्म इशू हो चुके हैं सबके, बीएससी के भी, एमएससी के भी और पीएचडी के भी, और जो एंड डेट है वो 15th of April है। ठीक है, जो एडमिट कार्ड सीएमआई अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसके जो ये फॉर्म्स निकालेगा उसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 12th May को आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एंट्रेंस टेस्ट सीएमआई लेगा उसके 19th May को एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्लियर, पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए जो आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा वो 1st to 4th July के बीच में होगा। ये पेज देखने के बाद अब आप नीचे आ जाना, आपको इतना पता चल गया कि आपके पास अभी टाइम है, आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जब आप आओगे तो तीसरी लाइन लिखी हुई है स्पेशल केसेस में इन्फॉर्मेशन वाउचर, आई होप दिखाई दे रहा होगा। इसको जब क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, इन्फॉर्मेशन वाउचर फॉर 24 and 25 एडमिशन्स। इस पेज में या इन्फॉर्मेशन वाउचर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन वाउचर खुल के आ जाएगा। इस तरीके से कम 17 pages का है ये। इस पहला पेज ये है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर बीएससी से रिलेटेड, एमएससी से रिलेटेड और पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी कंप्यूटर साइंस और पीएचडी फिजिकल साइंस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो हम पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में पहले देख लेते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो बच्चे पीएचडी मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस में या फिजिकल साइंस में करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके लिए एडमिशंस, कोर्सेज एंड रिसर्च, फीस, स्टाइपेंड, सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज में दी गई है। आराम से पढ़ लेना, उसके बाद अप्लाई करना। तो जो बच्चे पीएचडी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट विद एन एमएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट एंड स्टूडेंट विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस विद ए स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक हैं या बीएससी हैं, आपके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं या फिर आपने एमएससी डिग्री मैथमेटिक्स से कर रखी है तो आप पीएचडी मैथमेटिक्स के किसके लिए, आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कौन सा फॉर्म, पीएचडी के एडमिशंस का। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस का जब पढ़ोगे तो स्टूडेंट या तो बीई, बीटेक, एमएससी या एमसीए डिग्री होल्डर होना चाहिए तो अप्लाई कर सकता है। पीएचडी इन फिजिक्स के लिए स्टूडेंट के पास एमएससी फिजिक्स के इक्विवेलेंट या एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एडमिशंस में आओगे सो फॉर पीएचडी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एडमिशंस इज थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द सेंटर थ्रू आउट द कंट्री ऑन 19th May 2024। तो जो बच्चे मैथ्स में या कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं उनको चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का अपना खुद का एग्जाम देना होगा। यहाँ पे इनको कोई गेट या नेट स्कोर की जरूरत नहीं है, समझ में आया। एग्जाम जो होगा आपका 19th May 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा इंटरव्यू, चेन्नई में। जो बच्चे पीएचडी मैथ्स के स्टूडेंट हैं क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड द जेस्ट और दी रिमेनिंग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, इसमें क्या है भाई, जो बच्चे पीएचडी फिजिक्स करना चाहते हैं, पीएचडी फिजिक्स से परस्यू करना चाहते हैं तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट कोई भी एग्जाम फिजिक्स के लिए कंडक्ट नहीं कराता। आपको जेस्ट का वैलिड स्कोर या गेट का या नेट का वैलिड स्कोर के थ्रू वो लोग शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं कोर्सेज एंड रिसर्च। स्टूडेंट एडमिटेड इन पीएचडी प्रोग्राम एंड एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 1 to 2 years ऑफ कंपलसरी कोर्स वर्क, देर इज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी टेकन विद इन द 2 years। तो 2 years के स्पैन में आपको कोर्स वर्क करना है, उसके बाद एग्जाम को क्वालिफाई करना है। कॉन्टिन्यूएशन इन द प्रोग्राम इज कंटेजेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएचडी कोर्स एंड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 2 साल बहुत अच्छे से काम कर लिया तो आप कंटिन्यू करोगे, मे बी इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो आपको हटा भी सकते हैं।
After passing the qualifying examination, students are assigned to guides and being for the research work. Their progress is monitored periodically by the doctoral committee. Okay. Next पे आते हैं fees and scholarship. There is no tuition fee for PhD student. Research scholar get a stipend of 3,700 per month for the first 2 years and 42,000 per month for the next 3 years and annual grant of this much. The research scholar can stay in the hostel during the first year. Research scholar who do not stay in the hostel are eligible for house rent allowances of 27%. The scholarship amounts are reversed periodically and this. तो देखो ये तो बहुत ही अच्छा है सी एम आई से पी एच डी करने के लिए. कोई ट्यूशन फी आपको नहीं देना. देर इज़ नो ट्यूशन फी. ऑब्वियसली आप वहाँ पर रहेंगे, हॉस्टल फीस आपको देनी होगी, बट ट्यूशन फीस आप कुछ भी नहीं प्रोवाइड करोगे वहाँ पर. रिसर्च स्कॉलर को 37,000 पर मंथ का 2 साल के लिए स्टाइपेंड मिल रहा है. नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर से 42,000 पर मंथ मिल रहा है विथ एन एनुअल अलॉन्ग विथ एन एनुअल बुक ग्रांट ऑफ योर 10,000 रुपीज़. फीस भी नहीं जा रही बट आपको वहाँ पे रहने के लिए खाने के लिए जो खर्चा करना होगा दैट इज़ दी मनी विच यू हैव टू पे. ओके. द रिसर्च स्कॉलर्स कैन स्टे इन दी हॉस्टल. फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में रह सकते हैं और जो स्कॉलर्स इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो वो भी 27% ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ आपको रेंट अलाउंसेस मिलेगा. तो आई होप शायद यहाँ हॉस्टल फीस भी ये लोग वेवर दे रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है ना कि जो बच्चे हॉस्टल में भी नहीं रहेंगे तो उनको 27% का स्टाइपेंड पर मंथ रेंट अलाउंसेस मिलेगा. क्लियर है? तो आई थिंक कि यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको हॉस्टल फीस भी पे नहीं करनी. वो तो आप लेटर ऑन जाओगे तो पता चल जाएगा बट दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. द स्कॉलरशिप अमाउंट्स आर रिवर्स्ड पीरियडिकली एज पर विद द प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ओके. एट द डिस्क्रिशंस ऑफ द एडमिशन कमिटी the student with the BSc degree and those switching the subject may also be admitted as a pre-PhD students. For the first 2 year pre-PhD student will be enrolled as a regular MSc students in the corresponding subject. अब इनके पास एक pre-PhD program भी है. pre-PhD program क्या है? जो बच्चे BSc में बहुत outstanding result लाते हैं वो यहाँ admission ले सकते हैं. But पहले 2 साल pre-PhD में वो आपको course work जो कराएंगे वो MSc ही पढ़ा देंगे. उसके बाद then they will start seeing how you are doing. उसके बाद वो PhD का course work start करेंगे. Till they complete their MSc course work or pass the PhD qualifying examination, pre-PhD student will receive the reduced scholarship. तो उस समय जो scholarship होगी वो 37,000 ना देखे थोड़ी कम दी जाएगी but will be eligible for other benefits similar to the regular PhD programs. जो भी PhD programs के students हैं उनको other benefits जो मिल रहे हैं वो pre-PhD students को भी मिलेंगे. तो please ऐसे अच्छे government institute में apply करो. apart from ये बार बार कहने के कि मैम नेट कर लिया, CSIR कर लिया या गेट कर लिया, अब क्या करें, अब तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ये MSc मैथ्स कर ली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं. तो भैया अपॉर्चुनिटी तो है, ढूंढने से मिलेगी लेकिन कर्मास पढ़ के ढूंढ के अप्लाई करके तुम लोगों को करने पड़ेंगे तभी कहीं अच्छी जगह एनरोलमेंट भी होगा. ठीक है? और जितनी कोशिश मुझसे हो सकती है PhD मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता करके तो वो मैं रेगुलर बेसिस में डालती रहूँगी. आप उन वीडियोस के ज़रिए भी अवेयरनेस ले सकते हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं और जो फॉर्म्स हो, मतलब जैसे फॉर्म का पैसा भी तुम्हारे लिए सही बैठ रहा हो, आसपास हो घर के, तो उन जगहों में अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं. उन एक्सपीरियंस को गेन करो, क्या पता तुम्हें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए. ठीक है? अब पार्ट टाइम PhD का भी यहाँ पे ऑफर है. क्या है? CMI हैज़ ए पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम टू अलाउ अ स्टूडेंट टू कंप्लीट अ PhD वाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे हमने एक IIT के बारे में पढ़ा था, वो लोग कहते हैं कि अगर आपको एनरोलमेंट यहाँ एज ए मतलब वर्किंग प्रोफेशनल के थ्रू करनी है तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी. बट यहाँ पे CMI ऐसा नहीं कह रहा. अगर आप CMI मतलब चेन्नई में ही कहीं जॉब कर रहे हो और CMI के साथ करस्पॉन्डिंग आप उसकी PhD भी कर सकते हो, बट वो PhD आपको पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में एनरोलमेंट देंगे. अब PhD वाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आर एडमिटेड बेस्ड ऑन ए रिटन एंट्रेंस एग्जाम examination and an interview. Like regular PhD students, student must already have a master's degree to be admitted to a part-time PhD program. There is a minimum residency requirement for 1 semester. 1 semester के लिए आपको residency requirement मिलेगी. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें BSc वाले बच्चे ये part-time PhD के लिए eligible नहीं है. सिर्फ MSc qualified बच्चा ही part-time PhD के लिए eligible होगा. Clear?
सो यहाँ पे इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड नहीं है। अब हम आ जाते हैं फीस कितनी लगनी है। तो ये आपको एक पेज मिलेगा अप्लाई वाले में, जहाँ पे आपको फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पीएचडी स्टूडेंट के लिए। अगर आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपके पास कैटेगरी कौन सी है, मैथ्स से पीएचडी करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है या पीएचडी फिजिक्स से करना है। क्लियर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द सिंगल कैटेगरी, ऑब्वियसली अगर मैथ्स से एमएससी करे हो तो पीएचडी मैथ्स से ही करोगे, एक ही कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपका 1000 रुपीज़ है। वाइल जो बच्चे एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन हो सकती है एक से ज़्यादा कैटेगरी की, तो वो मैं एमएससी और बीएससी वाली एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, उसमें डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो फिलहाल जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, आप एप्लीकेशन भरेंगे और उसके बाद ऑनलाइन फीस भी डिपॉजिट कर देंगे। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर अनेबल टू सबमिट द फी, सो देन प्लीज राइट मेल टू देम एंड दे विल जस्ट रिवर्ट यू द आंसर हाउ यू कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द फी डिपोजिशन प्रोसेस। क्लियर है। सो यहाँ पे फीस का पता चल गया तुम्हें, और ये जो वाउचर आप इंफॉर्मेशन वाउचर है इसमें तुम्हें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, ठीक है, और स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्लियर। अब डिटेल्स अबाउट एडमिशन प्रोसेस आर अवेलेबल इन दिस, तो यहाँ पे जो ये वेबसाइट दिया हुआ है इस एडमिशन वाले में जाके तुम डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पीएचडी के एडमिशन्स के लिए चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पेज में, तो और फर्स्ट पेज में इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है पीएचडी वाले के लिए, वो तुम्हें दिखाती हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन्स, तो ये मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ कि पीएचडी मैथ्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस के लिए और पीएचडी फिजिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। एप्लीकेशन का तरीका भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि फिजिक्स वालों के लिए जेस्ट और यूजीसी नेट और गेट चाहिए, और अपना जो बाकी कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के बच्चे हैं उनको सिंपल सीएमआई का एग्जाम देना है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स फीस सब बता चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अगर कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी मैथ्स वाले हैं जिन्होंने एनबीएचएम क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, तो भी आप सीएमआई में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, देखते हैं कैसे। द कैंडिडेट अप्लाइंग टू पीएचडी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एट सीएमआई कैन क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू विदाउट राइटिंग द सीएमआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको सीएमआई का जो एग्ज़ाम है वो एग्जैम्प्ट है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनबीएचएम क्वालिफाई कर रखा है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सीएमआई में चले जाओ, ठीक है। इफ़ दे हैव अवार्डेड द एन बी एच एम पी एच डी फेलोशिप, तब जो आपको फेलोशिप अवार्ड होगी वो एन बी एच एम के थ्रू होगी, ठीक है। इफ़ यू विश टू अप्लाई टू द पी एच डी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एस सी एम आई थ्रू द चैनल, यू शुड फिल द सी एम आई एप्लीकेशन फॉर्म इन द डिटेल एंड पे द एप्लीकेशन फी, एंड आफ्टर यू फिल आउट द फॉर्म एंड सेंड द मेल, तो यहाँ मेल सेंड कर दोगे विथ योर सी एम आई एप्लीकेशन डिटेल अटैचिंग ए स्कैंड कॉपी ऑफ योर एन बी एच एम स्कोर कार्ड अलॉन्ग विथ योर बी एस सी एंड एम एस सी अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। इफ़ यू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर the interview based on your performance in these exam, you will receive a notification for the admission committee. If you do not hear from us, you will write to CMI entrance exam in order to qualify. Okay? तो अगर NBHM का स्कोर है आपके पास, वैलिड स्कोर है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो PhD वालों के लिए दो तरीके हो गए, एक विदाउट गेट नेट वाले बच्चे और एक वो बच्चे जिन्होंने NBHM क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। तो दो तरीके मिल गए ना, एक पीएचडी के एंट्रेंस टू के थ्रू चले जाओ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, और एक एनबीएचएम के थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाओ। अब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिजिक्स वाले तो सिर्फ जेस्ट गेट या नेट के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन जेस्ट का एक एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ फिजिक्स वाले बच्चे भरते हैं। उस जेस्ट के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर साइंस थ्योरेटिकल वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी होती है, मेजर पोर्शन थ्योरी, वो भी जेस्ट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर्म देखोगे तो कभी लिखा होगा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो बच्चों ने जस्ट क्वालिफाई कर रखा है वो भी सीएमआई के एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जाम्ड है। देखो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंस एट सीएमआई कैन क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस टू द जस्ट एग्जाम इन द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस विदाउट राइटिंग द सीएमआई एंट्रेंस टेस्ट। समझ में आया? तो जस्ट के स्कोर के थ्रू भी तुम इंटरव्यू के थ्रू सीएमआई में एडमिशन ले सकते हो। इफ यू हैव अ रिटन जस्ट 2024 एंड विश टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस इन सीएमआई, यू शुड फिल द सीएमआई एप्लीकेशन फॉर्म इन डिटेल एंड पे द एप्लीकेशन फी, आफ्टर फिलिंग आउट सब कुछ मेल के थ्रू उनको भेज दो, और जस्ट एप्लीकेशन डिटेल टू इन्फॉर्म अस दैट यू ऑल्सो रिटन द जस्ट, और बता दो कि हमने जस्ट का फॉर्म भरा हुआ है। क्लियर। इफ़ यू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन जस्ट 2024, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन, और नोटिफिकेशन नहीं आता तो उनको मेल के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है।
फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं जो पीएचडी फिजिक्स से करना चाहते हैं उनके लिए जेस्ट के स्कोर का बताया हुआ है, यूजीसी नेट के स्कोर का बताया हुआ है और गेट के स्कोर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि अगर 100 के अंदर गेट की रैंक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी सीएसआई नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है 200 रैंक के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी जेस्ट में स्कोर 400 रैंक के अंडर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फाइन। और वही फिर शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे वो आप क्या करेंगे वो आपको मेल के थ्रू बता देंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो, समझ में आया। अब इसके बाद इसी में आप और जाओगे और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी चेक कर सकते हो कि क्या हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं मिल रहे हैं या क्या सिलेबस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीएचडी वाले बच्चे चेक करके एंट्रेंस एग्जाम एंड सिलेबस इन दी पास्ट ईयर्स यहाँ पे आओगे राइट हैंड साइड में तो आपको थर्ड पॉइंटर मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम एंड सिलेबस एंड पास्ट ईयर पेपर्स का। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएचडी मैथमेटिक्स के बच्चों की, एमएससी डेटा साइंस, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी कंप्यूटर साइंस सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं फिलहाल पीएचडी मैथमेटिक्स के बच्चों की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2010, 11, 12, सो ऑन 23 तक के क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्यूशंस को देख के आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर्स आए हैं और कैसे हमें प्रिपेयर करने हैं। लेट 23 का क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एमएससी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 मई 2023 को लिया गया था, तो एमएससी और पीएचडी का इनका कॉमन ही पेपर रहता है, ठीक है। आई होप इनकी मेरिट डिफरेंट जाती होगी उस हिसाब से पीएचडी और एमएससी के बच्चों को सेग्रीग्रेट अलग अलग करते हैं। तो पार्ट ए में यहाँ पे आपको कुछ 5-6 कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर पार्ट बी में यहाँ पे फर्दर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, इन 20 क्वेश्चंस को आपको परफॉर्म करना होगा। क्वेश्चंस जो हैं पहले वाले जो पार्ट ए है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वाइल पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जब आपने खोला दोबारा यहाँ गए तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस को क्लिक किया तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस भी पार्ट ए के और पार्ट बी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, तो वो देख के भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आए हुए हैं और क्या उनका लेवल है, क्या आप उतनी तैयारी कर सकते हो तो भी आप इस फॉर्म को भरो, ठीक है। तो हर चीज़ अच्छे से चेक करने के बाद ही तभी इस फॉर्म को भरेंगे, समझ में आया। तो ये पूरी वीडियो डेडिकेटेडली पीएचडी मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स वाले बच्चों के लिए हुई, यहाँ पे जब आओगे तो पीएचडी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर 23 का 22 का डाउनलोड कर लो और उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे पार्ट ए सेम 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड देन रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस इज योर थ्योरेटिकल, ठीक है। और फिर इसका सॉल्यूशन अप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन देख लेना और उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा, क्लियर है। ये वीडियो कैसी लगी बताना, और इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में या पीएचडी एडमिशंस के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट के द्वारा बता सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।